धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से रविंदर राणा ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा। धर्मशाला से राणा कांग्रेस के सुधीर शर्मा और भाजपा के किशन कपूर को जबरदस्त टक्कर देने वाले हैं। रविंदर राणा के चुनाव में उतरने से सीधा असर सुधीर शर्मा के वोट बैंक पर पड़ेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में गोरखा समुदाय के लोग सुधीर शर्मा के साथ खड़े थे। राणा गोरखा समुदाय से संबंध रखते हैं और उन्हें अपने समुदाय के साथ अन्य समुदाय के लोगों का साथ मिल चुका है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस और भाजपा से टिकट लेने की काफी जद्दोजहद की, लेकिन उन्हें किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिस कारण वो अब आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में खड़े हैं। राणा को CPIM ने अपना समर्थन दिया है, जिस कारण उनकी स्थिति काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने कोई भी विकास नहीं कर पाया, जिस कारण यहाँ की जनता दोनों पार्टियों से उब चुकी है। यहाँ की जनता उनके साथ है और वह जीत कर धर्मशाला का चहुंमुखी विकास कराएंगे। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि उनके समर्थकों को कचहरी में इकट्ठा होने से इनकार कर दिया गया, जबकि भाजपा के लोगों को वहां इकट्ठा होने की अनुमति दी गई, जिसकी वह चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे कि उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। धर्मशाला की यही पुकार रविंदर राणा आपकी बार। धर्मशाला की जो जनता है वो भाजपा और कांग्रेस से उब चुकी है। ये दोनों पार्टियां जो है हमारे धर्मशाला के लिए ऐसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाई है, जिससे कि हमारे यूथ और जो हमारे रोजगार की जो समस्या है वो दूर नहीं कर पाई है। उसके अलावा जो हमारे ट्रैफिक की जो समस्या है, इतना हमारा पर्यटन नगरी है, लेकिन जो हमारे ट्रैफिक की समस्या है ये उनको दूर करने में असमर्थ रही है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे पूरे धर्मशाला वासी ने मुझे आगे विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भेजा है चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे पूरे धर्मशाला के जितने भी हमारी उम्मीदें हैं मैं उनको पूरा कर सकूं। और मैं सभी धर्मशाला वासियों से निवेदन करता हूं कि आप सही चयन करें और धर्मशाला में आप सही उम्मीदवार को विजय बनाए। हाँ, CPIM ने मुझे जो है हमारे पार्टी को या मुझे जो है उन्होंने सपोर्ट किया है, क्योंकि ये जो हमारा CPI पार्टी जो बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी है और हम भी हैं साफ सुथरे लोग हैं। गौरतलब है कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में अकेले गोरखा समुदाय के लोग 10,000 वोट हैं और पिछले 2012 के विधानसभा चुनावों में गोरखा समुदाय ने कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा को अपने समर्थन दिया था और सुधीर शर्मा ने भाजपा के उम्मीदवार किशन कपूर को 5,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी थी। राणा के चुनावों में उतरने से ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि गोरखा समुदाय का अधिकतर वोट कांग्रेस को पड़ता रहा है और पिछले चुनावों में रविंदर राणा ने कांग्रेस को समर्थन दिया था।